अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपके सभी पालतू जानवर ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने सेटअप की वीडियो बना रहे हैं। चार दिन पहले मैंने जोड़ा सबका सेट कर दिया था, जितने भी नर अलग थे, मादियाँ अलग थी, सबको मिला दिया हूँ। तो सारे के सारे कबूतर अभी छत पर घूम रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं कुछ नए कबूतर भी लाया हूँ अपने सेटअप पर, वो भी आपको दिखाएंगे, और जो पुराने हैं वो भी दिखाएंगे कि कौन कौन किससे किससे जोड़ा लगा। चार पाँच दिन हुआ है दोस्तों जोड़ा लगाए हुए, और एक और चीज़ दिखाते हैं यूनिक जो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ है इस चार दिन के अंदर। तो देख लीजिए दोस्तों, यही सब कबूतर है अपने, और न्यू कबूतर एक जोड़ा ये ले कर के आए हैं हम, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कलंज का जोड़ा है। ये भी सहारनपुरी में से निकला हुआ कबूतर है, ठीक है। और बाकी जो अपने पुराने कबूतर है वही है, और ये एक कबूतरी नई है जो आपको अपने सेटअप में नहीं नज़र आती होगी, और वो भी कबूतर नया है। बाकी ये भी कबूतर अपना पुराना है, और ये कबूतर मादी नहीं है, ठीक है। तो अपने सेटअप पर दो कबूतर वो नया है, एक ये नई आई है, और दो ये नया है, मतलब पांच छह कबूतर नया नया अपने सेटअप पे आया है दोस्तों, ठीक है। तो सारे के सारे देखिए उधर मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और कुछ पट्टे जो थे अपने पास, वो पट्टे भी बड़े हो गए, तो गर्मी में उड़ाने का सीज़न आ गया है, तो इंशाल्लाह उड़ेंगे। ये पट्टा है, एक ये पट्टा है, फिर उधर एक पट्टा गया, उधर वहाँ खा रही है मादिन पट्टी, फिर वहाँ पर एक पट्टा है, और दो पट्टे यहाँ पर बैठे हुए ऊपर। और यूनिक चीज़ क्या हुआ है आप लोगों को दिखाते हैं, दरबे के अंदर हुआ है। दरबे के अंदर मैंने कुछ चेंजिंग की है, और यहाँ पर देख लीजिए अपना एक सहारनपुरी का पट्टा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे कलर में आया है, देखिए वहाँ पर है। तो जाली के अंदर का सिस्टम हम आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा गंदगी है दोस्तों, लेकिन यही सही है इन लोगों के लिए अभी, क्योंकि अभी हम इसको साफ़ सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई करेंगे दोस्तों तो बहुत सारा गंदा हो जाएगा। और यूनिक चीज़ बता रहे थे दोस्तों हम, ये देखिए यहाँ पर अंडे दे चुके हैं दोस्तों कबूतर, जितने भी पेयर मैंने लगाए थे उसमें से कुछ कुछ कबूतरों ने अंडे दे दिए। देखिए यहाँ पर सेटअप पर अंडे है, यहाँ पर भी अंडा है, यहाँ पर भी अंडा है, यहाँ पर अभी नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर अभी घोंसला बनाइए नहीं दी है, इधर भी अंडा दे दिए कबूतर, और यहाँ पर भी ये अंडा दे दिए मादी। तो दोस्तों, और सेटअप की जो यूनिक चीज़ है कि मैंने सेटअप में अंदर बहुत सारे डब्बे नए भी लगा दिए। इधर जो आप पहले दो डब्बे देखते थे, तो के बाद तीन, तीन के बाद चार डब्बे हो गए यहाँ पर, और वहाँ पर देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच, मतलब पाँच खाने हो गए, पाँच पाँच करके इधर पूरे जो है मैंने डब्बे लगा दिए हैं, ठीक है। ये पूरा डब्बा लगा दिया मैंने, और सारे के सारे कबूतर कंफर्म ब्रीडिंग पेयर हो गए अपने, और सारे के सारे अंडे दे दिए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जनवरी ख़त्म, फरवरी ख़त्म होने के बाद मार्च जैसे शुरू होगा, अपने सेटअप पर बहुत सारे पट्टे नज़र आएंगे, और सारे इन लोगों के सहारनपुरियों के पट्टे होंगे, ठीक है। सहारनपुरी मुरादाबादी बस, ठीक है ना दोस्तों। एक हैदराबादी मेल है और एक फिरोजपुरी मेल है मेरे पास, बाकी सब सहारनपुरी मुरादाबादी है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कबूतर, और कबूतर लोग को दाना भी देते हैं थोड़ा सा। आज दोस्तों अपना ये एक पट्टा उड़ गया था, और उड़ के क्या हुआ, चला गया, उड़ा तो सही लेकिन थोड़ा सा पर मैंने इन लोगों का गोल कर दिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोग को थोड़ा सा उड़ने में परेशानी होती है उसको। अभी जैसे जैसे पर मैंने सोचा था कि इसके पर काट दूँगा मैं, लेकिन पर काटा नहीं दोस्तों, इसके पर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है पर खींच देंगे अगर तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ होगा, तो इसी वजह से मैंने पर खींचा नहीं है। जितने भी पर थे अपने से साफ कर करके सारे कबूतर अपना अपना पर निकाल चुके हैं नया नया, ठीक है ना। और वो जो नया पेयर है दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं एक बार, और देख लीजिए आप लोग कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि ये पेयर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, ठीक है। और दुआ कीजिएगा कि जितने भी कबूतर अंडे दे रहे हैं सबके बच्चे बचें, ठीक है ना। ये बच्चे तो इससे पहले के केज के थे, मतलब इससे पहले जो मैंने ब्रीडिंग कराया था, बीच में बहुत सारा गैप दे दिया था मैंने, तीन महीने का गैप दिया दोस्तों, तीन से दो महीने का गैप है इन लोगों को। कुछ कुछ कबूतर तो लग रहा है उनको कि एक ही महीना रहे होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने समझिए बच्चे जो निकले हैं
कब जैसे ठंड शुरू हुआ था जब ही मैंने जोड़ा अलग अलग कर दिया था, और आप लोग बोल रहे थे कि भाई आप कुछ नए कबूतर लाइए, तो अभी नए कबूतर आ चुके हैं और इन लोगों के सारे बच्चे निकलेंगे, तो आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने सेटअप की। जब बच्चे निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह वीडियो हम बनाएंगे, और कितने बच्चे निकलेंगे और कैसे कैसे बच्चे निकलेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ, और बहुत सारी वीडियो है दोस्तों हमारे चैनल पर डाली हुई कबूतरों की, जैसे कि कबूतर की मार्केट की, या किसी को कबूतर चाहिए तो सेल के कबूतर भी है अपने चैनल पर डाले हुए। ठीक है ना, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। अगर कोई पसंद आ रहा है कबूतर तो उस पर नंबर होगा, उनको पूछ लीजिए, अगर कबूतर मिल रहा है तो ले लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।